दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में तो फ्रेंड्स आज मैं किचन के कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी छलनी तो ये जो मेरी स्टील की छलनी है तो ये टू लेयर की है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है रोज़ क्लीन करने के बाद भी आप लोग शायर से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैल जमा हो गई है तो इससे हम क्या करते हैं ना सबसे ज़्यादा तो इसको उपयोग में लाते हैं दूध या घी निकालने के लिए तो घी इसको छानते हैं और दूध छानते हैं तो इसके क्या होते हैं ना कितना भी क्लीनिंग कर लो बट जो साइड साइड होता है वहाँ पर इसकी इतनी सारी जो है गंदगी यहाँ पर जमा हो गई है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी है ना तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे इस तरह से पिन लेंगे और पिन लेने के बाद अच्छे से इसको निकाल लेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है तो आप इस तरह से कोई भी नोकीली चीज लीजिए उससे इस तरह से करते हुए साइड साइड के जितने भी मैल जमा हुआ है गंदगी उसको आप इजिली निकाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं सारा का सारा निकाल ले रही हूँ लेकिन अगर इससे भी नहीं निकल पा रहा है बहुत ज़्यादा जमा हो गया है क्योंकि ऐसा होता है ना कि साइड साइड में एकदम से चिकनापन पा करके वहाँ पे चिपक लेता है तो यहाँ पे देखिए मैं पिन से निकाल रही हूँ बट ये अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी बहुत ही बेस्ट ट्रिक है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा उससे आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं ना ही आपकी छलनी जो है ख़राब होने वाली है तो क्या है चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो यहाँ पर देखिए इतना सारा निकल रहा है ना तो चलिए इसको इस तरह से निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और जल्दी ये निकलेगा भी नहीं तो चलिए और दूसरी ट्रिक क्या है उसको देखते हैं हम तो इस तरह से हम गैस ऑन करेंगे गैस ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे ना उसी के ऊपर ही जो है छलने उसको रख देंगे तो आपके पास अगर प्लास्टिक का है तो उसको मत रखिएगा नहीं तो जो है गल जाएगा तो यहाँ पे स्टील का है तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा ये देखिए इसकी जितनी भी गंदगी है सारे के सारे इस तरह से जलने लगेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना भी यहाँ साइड साइड से पूरा का पूरा जम गया था सारा का सारा पिघल करके इस तरह से निकल रहा है तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं इससे घी जो है छानती हूँ दूध छानती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा है, कितना भी क्लीन करती थी गर्म पानी से बट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता था तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने गैस में अच्छे से इसको जला लेने हैं तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से जला ले रही हूँ और आप बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि आपकी जो छलनी है वो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है ये जितना भी ब्लैक पड़ा हुआ है सारा का सारा क्लीन हो जाएगा अभी तो यहाँ पे मैं अच्छे से जला ले रही हूँ जलाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी और ध्यान रखिएगा आप लोग टच मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल रहा है इस तरह से हम ठोक देंगे तो जितनी भी गंदगी रहेगी सारा का सारा बाहर निकल जाएगी और उसके बाद आप टूथब्रश लीजिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद या पिन से ही इस तरह से जो जला हुआ आपका जमा हुआ है उसको इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ तो चलिए निकालने के बाद इसको अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ उसके बाद आपको दिखा रही हूँ तो आप इडली जिस तरह से बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं उसी तरह से इसको साफ़ कर देंगे ना तो आसानी से क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सारे जो हैं निकल के आए हुए हैं तो हमारी जो छलनी है एकदम से क्लीन हो गई है तो रुकी अभी मैं आप लोगों को धो करके दिखा रही हूँ तो फाइनल में मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया आप लोग देख सकते हैं हमारी छलनी जो है पहले जैसी हो गई है एकदम से साफ़ सुथरी हो गई एकदम से क्लीन हो गई जो साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा मैल जमा हुआ था सारा का सारा निकल चुका है जल चुका है तो इस तरह से आप जो है अपनी छलनी को साफ करते जाइएगा अगर अच्छे से गर्म पानी से नहीं साफ़ हो रहा तो इस तरह से आप गैस ऑन करके इसको जला सकते हैं जलाने के बाद अच्छे से क्लीन कर सकते हैं सो ये आइडिया आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ मेरा नेक्स्ट आइडिया है टूथ ब्रश को लेकर तो ले के तो यहाँ पे बहुत सारे टूथ ब्रश मैंने लेके रखा हुआ है तो यहाँ पे ये देखिए जो पुराने हो गए हैं उसको तो हम निकाल देंगे बट जो हम डेली यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे ब्रश करते हैं उसको धुल करके रखते हैं बट उसमें क्या होता है नीचे इस तरह से कुछ ना कुछ कोलगेट जमा हो ही जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसको धुलने के बाद भी नहीं निकलता है तो बस इसको हम चल रहे हैं क्लीन करने और साथ ही साथ जो हमारे ब्रश के टाइट हो जाते हैं ना उसको भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ब्रश ये भी ख़राब हो चुका है तो इस तरह से ब्रश के जितने भी फैले हुए हैं इसके सारे के सारे हम क्लीन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि हमारा जो ब्रश है वो पहले जैसा एकदम से नया हो जाएगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे पानी को गर्म कर लेंगे तो पानी हम चलिए रखते हैं पानी को और पानी आपको एक ग्लास लेना है और उसके बाद हम इसको रख देंगे गर्म होने के लिए तो यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो रहा है अब इसमें हमें क्या डालना है चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आप चाहो तो इसमें जो है सर्फ़ वगैरह डाल सकते हैं बट मैं सर्फ़ से नहीं साफ़ करने वाली हूँ तो पानी हमारा जो है गुनगुना हो चुका है तो इसमें हमें ज़्यादा खौलाना नहीं है बस गुनगुना ही रखना है तो यहाँ पे हमारा जो पानी है ये गुनगुना हो चुका है आप लोग देख सकते हैं इसमें बूंदे पड़ना स्टार्ट हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें ब्रश तो डालेंगे तो सही नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे ना सबसे पहले ग्लास में डाल लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ली हूँ विनेगर विनेगर यहाँ मैं एक ढक्कन डाल दे रही हूँ थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ अब इसके बाद इसमें हमें डालना है नमक तो नमक और विनेगर इन दोनों से ही ब्रश साफ़ कीजिए बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है साथ ही साथ उसके जितने भी जो बाल होते हैं ना वो सारे के सारे टाइट हो जाते हैं तो वो भी अच्छे से साफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं नमक डाल दी हूँ उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी तो पानी इसलिए मैं ग्लास में डाल रही हूँ क्योंकि ग्लास में जो है तो ब्रश डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से डाल दिया हुआ अब हम क्या करेंगे जितना हमारा ब्रश है सारा का सारा इसमें डाल देंगे और ध्यान रखिएगा पानी हमें बहुत ज़्यादा उबला हुआ नहीं चाहिए बस गुनगुना ही चाहिए फिर भी इसमें देखिए भाप जो है आ रही है तो इस तरह से हमें डाल डाल के निकालते रहना है और उसके बाद इसको हमें दस मिनट के लिए छोड़ देना है तो आप लोग देख डाल के निकालेंगे ना देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है जो एकदम से टाइट हुआ था ये सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जितने भी कोलगेट जमा हुआ है सारा सारा निकल जाएगा तो इसको हम दस मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद साफ पानी से धुल लेंगे तो यहाँ ये देखिए दस मिनट हो गया था अब इसको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और अच्छे से क्लीन भी हो गया है तो यहाँ पे जो गर्म पानी था उसी में मैंने टंक क्लीनर भी डाल दिया हुआ है इसको भी हम पाँच मिनट के रखने के बाद अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ तो ये हमारा जो है कोलगेट है पुराना हो गया है तो इसको हम कुछ करेंगे नया तो यहाँ पर मैं तीन ली हूँ और इन तीनों का मैं यूज करने वाली हूँ अपने किचन क्लिनिंग के लिए तो ये सेम है तो इसको हम कुछ नया करते हैं क्योंकि हमें जो तीनों बस एक टाइप के हैं उसको हमें तीन टाइप के करने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा क्लीनिंग करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे आगे का भाग का थोड़ा सा हम कर लेंगे कट तो यहाँ पे मैं कटिंग कर ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं कैंची से कट कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में देखा था कैंची से इजली कुछ भी काट कर लेते हैं बट मुझे काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई बहुत परेशानी के बाद कहीं जाके हमारा ये कटा हुआ है तो ये क्या करना है इतना जो कटा हुआ है इसको हमें ऐड करना है तो ये इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले आगे के गर्म करेंगे तो ये देखिए आगे वाला भाग जो है हम इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें हम चिपका देंगे तो इसको हम क्या करेंगे गर्म कर लेते हैं तो इस तरह से मैंने गरम कर लिया हुआ और इसको इस तरह से रखेंगे रखते हुए यहाँ पे हम अच्छे से चिपका लेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ब्रश है बन के तैयार हो गया अब इसे हम क्लीनिंग कैसे करेंगे चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो यहाँ पर हमें अच्छे से ज्वाइन कर देना है देखिए हमारा निकल गया है शायद अच्छे से गर्म नहीं था तो यहाँ पे मैं इस तरह से अच्छे से चिपका ली हूँ एकदम से फिक्स हो गया है अब हम चलिए इसको क्लीन करके दिखाते हैं तो यहाँ पे जो डिब्बा लेते हैं तो हम ब्रश डालते हैं डायरेक्ट तो कुछ इस तरीके से मेरा जो है साफ़ होता है साइड साइड का होता है और नीचे के जो तली होती है वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता तो आप इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो आपका एक साथ दो हो जाएगा नीचे का भी भाग जो है साफ़ हो जाएगा और साइड साइड का भी साफ़ हो जाएगा तो आप इस तरह से ब्रश को एक ज़रूर रखिए अपने किचन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो इस तरह से जो नीचे के तली होता है वो साफ़ नहीं हो पाता है आप कैसे भी करके ब्रश डाल के साफ़ कर लो बट नीचे वाला क्लीन नहीं हो पाता है तो देखिए इस तरह से हमारा जो है साइड साइड का साफ़ हो रहा है और साथ ही साथ ऊपर का भी हिस्सा जो है साफ़ हो जा रहा है तो ये हमारा जो है आइडिया बहुत ही बेस्ट है आप इस तरह से एक ब्रश अपने किचन के लिए बना लीजिए आप कोई भी बाटल या प्लास्टिक के पानी के बाटर वाटर कुछ भी साफ़ कर रहे हैं तो आसानी से जो है क्लीन हो जाएगा तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया वो भी ब्रश का ही है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश लिया हुआ है देखिए बहुत ही क्यूट है तो ये मेरे बेटे का था तो ये पुराना हो चुका था तो इसको हम क्या करेंगे ना पहले हम इसके आगे का जितना भी ब्रश साइड है उसको हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैं चाकू का ले रही हूँ गरम और चाकू गरम करके मैं इसको कट करूँगी क्योंकि कैची से तो ईजली कटने वाला है नहीं तो वो तो मेरे ख्याल से फेक है तो चलिए यही मेरे लिए बेस्ट है तो यहाँ पे मैंने चाकू किया गरम और मैंने चुटकियों में काट के निकाल दिया तो ये देखिए बहुत आसानी से इजली कट के निकल जाता है ये तो इस तरह से ये देखिए आगे का निकल चुका है अब हम क्या करेंगे जो पतला वाला साइड है ये वाला इसको भी हम कट करके अलग कर दे रहे हैं तो इसको हम फिर से चाकू को गर्म करेंगे क्योंकि ठंडा हो चुका है तो इसको हम फिर से कर, गर्म करके इसको अलग करके निकाल लेंगे अब जो हमारे पास नीचे का हिस्सा बचा हुआ है उसको हम अच्छे से गर्म करेंगे थोड़ा सा वो पिघल जाए तो पिघलने के बाद क्या करेंगे इसमें हम इस तरह से नीचे के साइड चिपका देंगे अच्छे से तो चलिए उसको हम गर्म कर ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें चिपकाना है तो हमारा ब्रश इस टाइप का हो जाएगा तो सिंपल सा ब्रश था तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है अब आप इसको ईजिली किसी भी चीज़ करने साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं और मैंने अभी आप लोगों को दिखाया जो बाटल के नीचे सतह को हम नहीं क्लीन कर पाते हैं इस तरह से हम डाल करके क्लीन कर सकते हैं तो आपका जिस चीज़ में हाथ वगैरह नहीं जा रहा है आप इस तरह से ब्रश डालने के बाद अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल आइडिया है एक बार जो ट्राई कीजिएगा अपने किचन में इसको जरूर रखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ब्रश से क्लीन करते हैं बट ऐसे करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और देखिए नीचे का भी हो जाएगा और साथ ही साथ अगर बच्चे जो हैं कुछ भी लिखते पढ़ते हैं उसके बाद उसको जो है रिमूव करते हैं तो मिटाते हैं तो मिटाने के बाद बहुत सारे जो है इस तरह से बुक पर बहुत सारी देखें गंदगी रहते हैं तो उसको हाथ से इस तरह से क्लीन करते हैं तो क्या होता है हाथ में थोड़ा सा पसीना वगैरह रहता है ना तो हाथों में पूरी की पूरी एक गंदगी लग जाती है तो आप इस तरह से ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं तो आप बच्चों को दे सकते हैं इसको यूज के लिए तो काफी ज़्यादा हेल्पफुल आइडिया है तो आप अपने किचन में इस तरह से जो है ब्रश को यूज कर सकते हैं तो पुराने ब्रश को फेंकने से अच्छा है कि उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते तो यहाँ पे मैंने टू टाइप का बनाया हुआ है तो आप दोनों को मैंने दिखाया कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं तो इसलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे थ्री टाइप का जो ब्रश है अपने किचन में रख रही हूँ क्लीनिंग करने के लिए जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है तो आप इस तरह से अपने सिंक के पास इस तरह से ब्रश को रखिए और किचन को क्लीन कीजिए तो दोस्तों ये देखिए हमारे अचार का डिब्बा है जैसे कि क्या होता है ना कि आप अचार जो है खाली करके डब्बे को जो है क्लीन नहीं कर सकते नहीं तो क्या होगा आपकी जो अचार खटाई कुछ भी रहेगा तो खराब होने का डर बना रहता है ऐसे में क्या होता है ना ये देखिए जो हम किचन में रखते हैं ना तो किचन के जो धूल मिट्टी भाप वगैरह जो खाने बनते हैं ना उसके भाप से कितना भी आप चाहो गंदगी ना हो ना लेकिन गंदगी हो ही जाती है तो यहाँ पे आप लोग दे देख सकते हैं हमारे डिब्बे का ऊपर का जो ढक्कन है काफ़ी ज़्यादा एक गंदा हो गया है बट आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे क्लीन करूँ इसको खाली करके ही क्लीन करना पड़ेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो नीचे है हमारा डब्बा एकदम से अच्छा है हमारी जो अचार है हो आपकी बिल्कुल बिगड़े ना और आप आसानी से डब्बे को क्लीन भी कर लो तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमारे नमक का डिब्बा भी गंदा हो गया है तो ऐसे में क्या होता है जब हम खाना वाना बनाते हैं ना तो अगर उसी हाथ से हमें इसको छूना पड़ता है ना तो बहुत गंदा लगता है क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मैल जमी रहती है ना तो ऐसे में छूने का मन नहीं करता है तो इसको हम बिना खाली किए हुए कैसे क्लीन कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे आप जो किचन में यूज करते हैं जो भी आप उसी टॉवल को ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे किचन में अपने किचन में यूज करने के लिए क्लीनिंग करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए जो छोटे बच्चे के स्वेटर वगैरह ऊनी होते हैं ना जो छोटे हो जाते हैं उन्हीं को मैं कट कट करके किचन में यूज करती हूँ तो क्लीनिंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आपका जो इसमें पानी रहेगा ना इजिली सारा का सारा निकल जाता है तो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आपके पास भी इस तरह से पुराने स्वेटर वगैरह हैं या लेगी वगैरह जो कॉटन के हैं उस तरह से कट करके यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसी से क्या करूँगी जो मैंने गर्म पानी अभी यहाँ पे मैंने जो गर्म पानी किया हुआ था तो इसमें मेरा थोड़ा बचा हुआ है तो उसी से हम क्या करेंगे इस तरह से इसमें डिप करेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा पानी निकाल लेंगे तो चूँकि ये गर्म पानी है तो इससे क्या होगा ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा उसका चिकनापन भी दूर हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे और लेने के बाद इसको अच्छे से रगड़ते हुए क्लीन कर लेंगे तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है किचन में काम करने वाले हर लोगों को पता होगा बट जिनके लिए अभी ये नया है तो इस तरह से यूज कर सकते हैं और आसानी से क्लीन कर सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा जो है डब्बा बिल्कुल क्लीन हो गया है इसमें थोड़ा सा भी पानी हमारा जो है अंदर नहीं गया है एकदम सूखा सा ही क्लीन हो गया है तो ये बहुत ही आसान सा टिक है। उसके बाद क्लीन करने के बाद एक कोई भी सूखा सा तौलिया ले लीजिए और उससे इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से सुखा लीजिए ताकि ये ऊपर भी सूख जाए तो इस तरह से आप बिना खाली किए हुए डिब्बे को क्लीन कर सकते हैं इजिली तो तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कौन सा टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताना और अच्छा लगा होगा तो शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना